हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो वीडियो एडिटर ऐप है उसमें आप यूट्यूब का कैसे थंबनेल बना सकते हैं, उस बारे में हम आज बात करेंगे। और भाई सब लोग को तो विनती है कि आप मेरे वीडियो को स्किप मत करना और पूरी तरह से देखना। पूरी तरह से देखने से ही आपको पता चलेगा कि कैसा एडिटिंग होता है, जो थंबनेल बनाना होता है तो पूरी तरह से देखने से पता चलेगा। तो इसके लिए आप स्किप मत करना, और जिसे भी स्किप करना है या तो फिर कट करके देखना है वो बिल्कुल ही ना देखे तो अच्छा ही है। तो उसके लिए आप जो देखना नहीं चाहते हैं आप ना देखे तो ही अच्छा है। देख रहे हैं तो पूरी तरह से वीडियो देखें, तभी जाके आपको सब समझ में आएगा कैसे कैसे थंबनेल बना सकते हैं। और थंबनेल बनाने में इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, मैं जिस आपका बारे में बोल रहा हूँ, और अच्छी खासी थंबनेल भी बना सकते हैं, जो मतलब थंबनेल का क्वालिटी भी बड़े बढ़िया है। तो उस आप में जाके आप कर सकते हैं पूरा फ्री में। तो इसके लिए आप सब लोग को पूरी तरह से वीडियो देखना पड़ेगा, तो पूरी तरह से देखिए। इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, जैसे कि एक तो है पिक्सआर्ट आप में आपका अच्छा क्वालिटी का थंबनेल बनाएंगे तो उसमें पैसा लगता है, इसमें पैसा भी नहीं लगेगा। और हमें किस तरह से वीडियो एडिटिंग होगा उसमें मैं बताया हूँ, और आप सब लोग को वो भी दिखाऊंगा मैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या करने से यूट्यूब का एक थंबनेल बन सकता है, जो कि वीडियो अपलोड करने के बाद थंबनेल लगाना ज़रूरी होता है। और थंबनेल से ही आप सब लोग को उसका मतलब लोग एट्रैक्टिव हो के उस आप का वीडियो वो सब लोग देखेंगे तो आपका व्यूज भी बढ़ेगा उसमें, और कोई भी हो सकता है सब्सक्राइब करेगा। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखें और पूरा समझ को सब वीडियो का जो थंबनेल है उसका बना सकते हैं। तो थंबनेल आराम से बना सकते हैं, उसमें फ़ोटो भी एडिटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोग को उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो को पूरी तरह से देखें। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ वो थंबनेल कैसे बन के रेडी होता है उसमें। तो आप स्किप मत करना और देखते जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए आप देखते हैं। देखिए भाई, ये वीडियो मत के कोई भी स्किप मत करना, स्किप करने से कोई किसी को समझ में नहीं आएगा। आज फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसमें यूट्यूब का थंबनेल पूरा अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं है उसे डाउनलोड करने में। तो आप स्किप मत करना। देखिए मैं अभी मेरा तो इंस्टॉल हो के है, तो मैं उसे ओपन कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये देखिए, फ़ोटो पे क्लिक करना है जो ऊपर में है। तो फ़ोटो में क्लिक करने से ये सब आगे मैनुअल दिखाएगा, तो थोड़ा देख लीजिए। ये मैं क्लिक किया, उसके बाद इसमें एक तो फ़ोटो चूज करेंगे हम, अभी फ़ोटो चूज करेंगे बाद में। अभी उसका मतलब जो थंबनेल का है यूट्यूब साइज का, वो वाला एक तो कलर वाला एक तो फ़ोटो लेंगे। ये देखिए आ गया मेरा, आगे से सेव करके रखा हुआ था कलर का एक तो फ़ोटो, उसमें देखिए ये अभी हम नाम सब लिखेंगे, ये नाम लिखेंगे, ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से फ़ोटो आ गया है, ये अभी चल रहा है। ये देखिए मैं यूट्यूब का साइज का बना दिया, जो मतलब अभी बनाऊंगा। ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जहाँ लिखा हुआ है 16.9 उसे मैं क्लिक किया। अभी यूट्यूब वीडियो का साइज में ये थंबनेल हो गया, ये देखिए उस साइज में हो गया। उसके बाद हम इसे अभी देखेंगे, जो लिखना है टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट ये देखिए टेक्स्ट आ गया,
एक तो लिखा हुआ है आपका ए, बड़ा ए लिखा हुआ है, एक तो राउंड में लिखा हुआ है, तो मैं राउंड वाला क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। देखिए स्किप मत कीजिए, स्किप करने से किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ये राउंड वाला मैं क्लिक किया, ये देखिए टैक्स लिखा हुआ आ गया, टैक्स ये और लिखा है, अभी मैं टैक्स लिखूँगा। ये जो राइट साइड में है की पेड़ का एक तो सिंबल है ऊपर में, उसे क्लिक करूँगा मैं। क्लिक किया, ये देखिए मेरा लेटर पेड़ आ गया। अभी मैं टाइप करता हूँ जो मतलब जिस टॉपिक में आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो वही टॉपिक वाला आप लिखेंगे। तो मैं फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वाला मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये मैं फेसबुक अकाउंट लिख दिया। अभी देखिए मैं लिख रहा हूँ, उसे फिर साइज करूँगा। तो मैं लिख रहा हूँ फेसबुक अकाउंट कैसे, ये आधा मैं लिख दिया। अभी फेसबुक अकाउंट कैसे को काटेंगे, खाली फेसबुक अकाउंट लिखेंगे, उसके बाद फिर और कुछ लिखेंगे देखेंगे। ये देखिए फेसबुक अकाउंट में लिख दिया, उसे कहाँ पे रखना है ये चूज करना है। तो उसे हम प्रेस करके ऊपर की तरफ लेंगे, आगे कलर दे देते हैं वो जो लिखा हुआ है। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कलर कहाँ है, कलर देना पड़ेगा। उसे क्लिक किया, उसे क्लिक करने के बाद वो कलर ऑप्शन आ गया, यहाँ पे कलर आपको चूज करना है। वो लेटर जो लिखे हैं हम फेसबुक अकाउंट, तो कौन सा कलर देंगे अपने हिसाब से दे देना, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। ये देखिए मैं कलर चूज कर रहा हूँ, जो अच्छा लगेगा वही वाला दूंगा। तो स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो दो तो अच्छा नहीं लगा। ये मतलब ऐसा कलर देना कि जो मतलब वो पिंक कलर में मतलब दिखाई दे, ये सब जो मैं दे रहा हूँ अभी टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है उसमें क्लियर। तो इसी के लिए जो क्लियर दिखाई देगा वही वाला हम लेंगे। तो अभी देखते हैं कौन सा होगा, मैं देख रहा हूँ अभी स्क्रॉल करके मैं देख रहा हूँ। ये नहीं, ये वाइट वाला होगा, वाइट वाला ठीक है इसमें। तो देखते हैं ये वाइट में फिर क्या करना पड़ेगा। तो भाई ये देखिए, उसके बाद आ गया लेयर। लेयर मतलब कलर, जो मतलब उसका बॉक्स है, उसका बॉक्स के अंदर कौन सा कलर देना है वो वाला मैं चूज कर रहा हूँ। ये ब्लू वाला आ गया, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पूरा लाइव, मतलब समझा रहा हूँ, एक एक बात समझा रहा हूँ, तो स्किप मत कीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये आपका, मैं लेयर में अभी दे रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा दिया अभी 100% कर दिया, तो डबल कलर आ गया। लेयर के बाद, लेयर दिए उसके बाद ग्रेंटेड एक तो लिखा हुआ है, तो उसमें क्लिक करेंगे, वो तो वाला कलर हो गया चूज करके देने से। उसके बाद बॉर्डर पे क्लिक करना है, बॉर्डर कितना रखना है कौन से कलर में, तो मैं ब्लैक दिया। ये बॉर्डर मेरा 98% हो गया अभी, मतलब लेटर का जो बॉर्डर है फेसबुक अकाउंट जो लिखा हूँ उसका बॉर्डर ब्लैक में आ गया। तो उसको अभी मैं थंबनेल के साइज के अंदर रखूँगा, ज़्यादा बड़ा करने से दिखाई नहीं देगा। तो इसी के लिए उसी के साइज के अंदर जो होगा उसका साइज, या तो फिर उससे छोटा करके उसमें सेटिंग करना होगा। तो मैं कर रहा हूँ, आप देखिए, तो ये मैं सेटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा अप डाउन हो गया है। फेसबुक जो फेस लिखा हुआ है फेस ही, वो वाला ऊपर हो गया, अकाउंट जो नीचे हो गया है उसे अभी सीधा करेंगे ठीक से। तो ये
आपका हो गया। अभी थोड़ा ये देखिए मैं सेटिंग कर दिया। अभी और एक तो टैक्स लिखना है, मैं लिख रहा हूँ देखिए टैक्स में फिर क्लिक करके लिख रहा हूँ कैसे खोलें, कैसे फेसबुक अकाउंट कैसे खोलें। तो फेसबुक अकाउंट तो आगे चल गया वाला, अब वो कैसे खोलें ये देखिए कैसे खोलें। उसी तरह फिर एक बार कलर देंगे उसमें लेटर में, तो कलर ऑप्शन आ गया। टैक्स में जाके टैक्स का कलर कौन सा रखना है ये चूज करेंगे हम लोग, तो मैं अपने हिसाब से चूज कर रहा हूँ। अभी ये मैं ब्लू तो दिया हूँ, देखते हैं आगे एक एक ठो तो इसी की तरह देना। तो भाई सब लोग देखिए, ठीक से देखिए, ध्यान देके, कोई स्किप नहीं करेंगे ना तो एक बात छूट जाएगा तो समझ नहीं आएगा। इसी के लिए ये लेयर में मैं तो सिलेक्ट कर दिया हूँ, अभी फिर भी देख रहा हूँ कौन सा अच्छा लगेगा, तो मैं दे रहा हूँ अभी। आप सब लोग देखिए लेयर में ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा लग रहा है, ये पूरा मतलब वाइट हो जा रहा है, लेटर के साथ मिल जा रहा पूरा, और होगा नहीं ठीक से दिखाई नहीं देगा। ये कलर भी थोड़ा चलेगा, देखते हैं अब क्या होगा इसमें। भाई सब लोग ध्यान से देखिए यार, मैं आपको बता रहा हूँ स्किप मत करना, स्किप करने से कुछ भी समझ नहीं पाओगे, बाद में बोलोगे मैं अच्छा नहीं बोला हूँ, तो इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वाला हो गया वो कलर, अभी देखिए बॉर्डर में दे दिया, बॉर्डर दे रहा हूँ जो लेटर का बॉर्डर है वो वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी उसी तरह करना। ये मैं बॉर्डर अभी देख रहा हूँ कौन सा होगा, ये पिंक कलर बॉर्डर, हाँ ये ठीक है चलेगा। तो अभी ये जो ग्रेडियंट है वो वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें डबल कलर थोड़ा सा देने से अच्छा लगेगा, देखते हैं। ये ब्लू कलर उतना खास तो नहीं दिख रहा है, फिर भी नहीं, ये कलर हाँ ये एक टाइप का हुआ अभी, हाँ ये हो गया। अभी मैं एडिट में आ गया, एडिट में देखिए, एडिट में जाके आप लेटर को पूरा छोड़ छोड़ के अलग अलग कर सकते हैं, जो मतलब बहुत ही सुंदर लगेगा, तो उसे मैं अलग अलग कर दिया, देखिए 100% सब कर दिया। एडिट में जाएंगे तो ये सब ऑप्शन आएगा, तो उसी में जाके आप सेटिंग करना पड़ेगा, मैं करके आपको बता रहा हूँ पूरा लाइव। ये देखिए हो गया, अभी इसे कहाँ रखना है जो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो आप देख लिए, मैं वहाँ तो रखा हूँ फिर भी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए और एक तो टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जो फेसबुक अकाउंट कैसे खोलें उसके बाद। अभी बहुत ही ये एक तो है, अभी बहुत ही ये मैं हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं हिंदी में, आसान है, अभी बहुत ही आसान है, वो भी बहुत ही आसान है। तो ये मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए, ये नहीं ये आसान, अभी वो भी बहुत ही आसान, ये मैं लिखा हूँ, ये देखिए लिख दिया। अभी कलर दूंगा उस लेटर को, आप देख लीजिए सर, मैं आपको कलर दे के दिखा रहा हूँ। ये टैक्स में गया, टैक्स के में जाने के बाद कलर ऑप्शन चूज करूँगा, मैं अभी रेड कलर दिया हूँ, पिंक कलर जो है वो वाला दिया हूँ। उसके बाद आ गया लेयर में आके मैं दे दिया उसका बॉक्स के अंदर जो है कलर दे दिया येल्लो का। उसके बाद दिया हूँ फिर भी ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, ये येल्लो
ये लो ठीक है चलेगा, ये लो मैं दे दिया। उसके बाद बॉर्डर में आ गया, बॉर्डर थोड़ा मैं दे दे रहा हूँ आपको 100% करके। ये देखिए बॉर्डर 100% हो गया, 98% मैं दिया हूँ, ये भी चलेगा। बॉर्डर ब्लैक कलर चूज करके मैं 98% दिया था, अभी अलग कलर थोड़ा देंगे, ब्लैक में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो अलग कलर दे रहे हैं। तो ये देखिए ये एक तो कलर है, ये थोड़ा लग रहा है फिर भी, और एक क्या है देखते हैं, और कोई भी होगा तो देखते हैं। ये आपका रहने दो, हो गया। अभी एडिट में जाएंगे, एडिट के जाने के बाद ये सब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमा दिया 100%, 98%, 99% ऐसा कुछ दे दिया हूँ, आप देख लीजिए। इसी तरह आप सिलेक्ट करिए, हो गया। अभी थोड़ा छोटा साइज करेंगे, छोटा साइज करके हमें इसे कहाँ रखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये आपका थोड़ा एडजस्ट हो गया, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए भाई, स्किप मत कीजिए, स्किप करने से कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो ठीक से देखिए। अभी हो गया, अभी देखिए मैं सेव कर रहा हूँ, ऊपर में लिखा हुआ सेव, उसे क्लिक किया, उसके बाद अदर्स पे क्लिक किया, जो शेयर वाला सिंबल है शेयर, शेयर में क्लिक करूँगा, देखिए अदर्स जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, उसे क्लिक किया। उसके बाद देखिए ये नीचे में एक तो अपलोड टू फोटो लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करूँगा। उसके बाद ये नीचे देखिए अपलोड लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद वो जाके फ़ोटो गैलरी में रह जाएगा। तो आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरा लाइव, ये देखिए मेरा हो गया। अभी मैं अपना गैलरी में जाके आपको बता रहा हूँ वो फ़ोटो वहाँ पे है कि नहीं। ये देखिए मैं बैक किया, बैक करने के बाद ये अपना गैलरी में आऊँगा। अभी ये देखिए मेरा फ़ोटो लिखा हुआ है सिंबल जो है, फ़ोटो में क्लिक किया, ये यहाँ पे देखिए अब इसका थंबनेल रेडी हो गया। अब आएगा ये देखिए आ गया, उसे मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ, ये देखिए हो गया। तो इसी की तरह भाई सब लोग करना, और ध्यान से पूरा देखना वीडियो, स्किप मत करना, स्किप करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, आप सब लोग इसी तरह देख के वीडियो जो थंबनेल बनाए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और सब्सक्राइब भाई प्लीज करें। आप सब लोग को मैं बता दिया थंबनेल कैसे बनाना है, क्या करना है, तो इस ऐप में पूरा फ्री में कर सकते हैं। तो इसी तरह आप थंबनेल बनाइए और अपना वीडियो में थंबनेल डालिए, अच्छा क्वालिटी का करके डालिए, तो आपका व्यूज भी बढ़ेगा। तो आप सब लोग को बता दिया, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो जो देखेंगे उनके लिए मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो को जो देखेंगे शुक्रिया, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए जय हिंद।